मैं साक्षी, स्वागत है आपका टुडेज न्यूज़ में, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। सलमान खान और उनकी बहन अर्पिता खान शर्मा के पति आयुब शर्मा एक साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का नाम है अंतिम और इसे महेश मांजरेकर डायरेक्ट करने वाले हैं। खबरों की माने तो सलमान फिल्म अंतिम के लिए मुंबई में 15 नवंबर से शूटिंग शुरू करेंगे और इस वीकेंड में वो दो लुक टेस्ट करेंगे। और बताया जा रहा है कि फिल्म के निर्देशक महेश मांजरेकर और सलमान अब भी पुलिस वाले के रोल के लेकर दुविधा में हैं कि क्या उसे सिख होना चाहिए या फिर महाराष्ट्रियन। मांजरेकर ओरिजिनल फिल्म मुंशी पैटर्न की तरह कॉप के रोल को महाराष्ट्रियन ही रखना चाहते हैं, जबकि सलमान को लगता है कि पैन इंडिया अपील के लिए उन्हें सिख पुलिस वाले का। हालांकि दोनों ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद इस वीकेंड में लुक टेस्ट करने का फैसला किया है। सलमान खान सिख और महाराष्ट्रियन दोनों लुक को सपोर्ट करेंगे, इसके बाद लुक फाइनल होगा। इस फिल्म का नाम था द गन्स ऑफ नॉर्थ। बता दें कि फिल्म एक मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न की रीमेक है और अब इसे सलमान खान के दोस्त महेश मांजरेकर डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में आयुष एक गैंगस्टर और सलमान एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में हैं। खैर, जो भी हो, सलमान खान के लुक और उनकी एंट्री दोनों की इंतज़ार हर फिल्म के दर्शक दिल थाम कर करते हैं, क्योंकि सलमान खान जब भी किसी नए अंदाज में पर्दे पर आते हैं तो फैंस की सीटियां और तालियां से ही उनका स्वागत होता है। वैसे इस फिल्म को लेकर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।